जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में एक्सपायरी डेट की दवा वितरण करने का मामला तुल पकड़ा। शिकायतकर्ता युवती बैठी कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन में। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ नगर पंचायत में रहने वाली संतोषी बंजारे आज कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन में बैठ गई है। युवती ने जिला प्रशासन पर एक्सपायरी दवा वितरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया है और जब तक एक्सपायरी दवा के वितरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक अनशन जारी रखने का मन बनाया है। युवती के आरोप और मांग को अकलतरा विधायक ने समर्थन किया है और आगामी विधानसभा सत्र में मामले को लेकर मंत्री शिव डहरिया को घेरने का दावा किया। प्रार्थी संतोषी बंजारे के मुताबिक 27 अक्टूबर को नवागढ़ में लगे मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के मोबाइल हॉस्पिटल ने अपनी मां को उपचार के लिए लेकर पहुंची, जहां स्टाफ द्वारा बदसलूकी की गई और उपचार में आनाकानी कर उन्हें जिंक और विटामिन की कैप्सूल दे दी। दोनों ही कैप्सूल एक्सपायर हो गया था, जिसकी जानकारी मोबाइल हॉस्पिटल में दी गई, जहाँ के कर्मचारियों ने उन्हें भगा दिया। इस मामले की शिकायत 28 अक्टूबर 2022 को कलेक्टर और एसडीएम से की गई। मामले की जांच कार्रवाई की गई और कुछ लोगों को दोषी भी पाया गया, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल अभी भी उठने लगे हैं। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। नहीं कोई देखे है नहीं इसको, मैं आज देख ली, मेरी मम्मी अभी तुरंत आई थी, मैं जाकर देखी तो बताइए एक्सपायर है। मेरे भाई को भेज, उसको भी एक्सपायर दे, पूरा पैकेट है उसको दे। इस टाइम बताना चाहिए ना, हो जाता इतनी सारी दवाइयां बेकार देखने में गलती हो जाती है। और बोलने का मतलब ये है कि एक बार तो गलती हुआ तो बार बार वही गलती होगा, और पूरा पैकेट तो देखना चाहिए था ना पहले बात आप लोगों को। हां पैकेट है, एक बार होता गलती समझ में आता है, सबसे बार बार नहीं होना चाहिए ना। क्या क्या खुद डॉक्टर हो, हम तो मरीज हो, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना। तो नहीं आप लोग डॉक्टर है ना, आप लोग पहले नहीं नहीं, हम लोग उसी को ही बोल रहे थे पहले बात। डॉक्टर छोटे से बात नहीं सर, छोटे सर वो बात समझ में आता है। नहीं सुनिए, 2022 को नगर पंचायत नवागढ़ में मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत एक्सपायरी दवाई का वितरण किया गया था, जिसकी शिकायत मैं एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में की थी, नगर पंचायत नवागढ़ में सीएमओ सर को दी थी, थाना में दी थी, तहसील में दी थी और उस स्वास्थ्य केंद्र में दी थी, लेकिन उन लोग मना कर रहे थे लेने से, फिर भी मैं देकर आ गई थी। लेकिन अभी तक इन लोग कोई भी जांच की उन लोग के प्रति कुछ भी कार्रवाई नहीं किए हैं, कानूनी कार्रवाई, जिसके लिए मैं आज यहाँ अमरन अनशन में बैठी हूँ। एसडीएम मैडम जांच तो करवाई थी, लेकिन जांच में शिकायत सही पाई गई थी, लेकिन अभी तक तो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है एसडीएम मैडम ना तो एक कलेक्ट्रेट के द्वारा, इसलिए मैं आज अमरन अनशन में बैठी हूँ। बैठने पर किस तरह की समस्या हो रही है और क्या चाहती हैं कार्रवाई में? जी मैं कार्रवाई में चाहती हूँ कि जो डॉक्टर है जिला समय नायक है और स्टाफ है उन लोग का लाइसेंस रद्द किया जाए और बर्खास्त किया जाए और उन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। यहाँ तक मुझे आने में बहुत मुश्किल हुई, मुझे सुबह से थाना वाले परेशान कर रहे थे, कहाँ हूँ मैडम करके, मेरे घर के आसपास भी पहुँच गया, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँच पाई हूँ, इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था। क्या अभी तक आपके पास डॉक्टर चेकअप के लिए कोई आया है? नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। मुख्यमंत्री स्लम योजना की जो बसें आती हैं उन बसों में एक्सपायरी दवाई की शिकायत लगातार आ रही है और लगातार हम लोग इस बात को बोल रहे हैं कि एक्सपायरी दवाई ना दें। दवाई सप्लाई करने वाला कौन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उसको सत्यापित कर रहे हैं दवाई को बांटने के लिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग उस बस में हैं उन लोगों की विशेषकर ये जिम्मेदारी बनती है, उस बस में एक फार्मासिस्ट भी होता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो एक्सपायरी दवाई को एक्सेप्ट क्यों कर रहा है। उसको एक्सपायरी दवाई को अपने बस में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर उसके ऊपर कहीं से राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक दबाव है तो इस बात को स्पष्ट करें कि किसके दबाव पर हो रहा है। और वैसे भी ये मुख्यमंत्री स्लम जो योजना है, इस योजना के तहत ये हेल्थ विभाग की योजना नहीं है, छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी विडंबना है, ये लेबर डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है और नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट संचालित कर रहा है। तो इसके जो भार साधक मंत्री हैं माननीय शिव डहरिया जी हैं, तो शिव डहरिया जी का को भी इस बात की जवाब देनी चाहिए
ये दवाइयों की खरीदी कैसे हो रही है और कैसे सप्लाई हो रही है? ये हमारा अनशन बैठी है। नहीं बिल्कुल, वो जो मामला हमारे संज्ञान में आया है इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। अभी एक सत्र विधानसभा का बचा है और संबंधित जो विभाग के ऊपर के अधिकारी होंगे उनको भी इस बात से अवगत कराएंगे।